पंचायत समिति आंधी क्षेत्र के NH 148 मनोहरपुर दौसा हाईवे पर रात करीब 1 बजे के आसपास शान कोटड़ा चौराहे पर केमिकल का टैंकर सामने से आ रही कार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गया। आंधी थाना SI नरेंद्र ने बताया कि टैंकर पंजाब से सवाई माधोपुर की ओर जा रहा था, जिसमें लिक्विड केमिकल से भरा हुआ था। हालांकि इस घटना में जान माल की हानि नहीं हुई और ड्राइवर व खलासी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान आंधी थाना पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर मौजूद रही। वहीं दौसा जिले व बस्ती से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया तथा टैंकर को उठाने के लिए 2 क्रेन व 1 JCB मशीन बुलाई गई। पलटे हुए टैंकर को बिना किसी हानि के सीधा किया गया और हाईवे के किनारे रोड पर खड़ा किया गया।